Hey everyone, my name is Chirag Yadav and you are watching Corporate Wale Vlogger. So if you are a college student or someone who has recently started his career in IT professional, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जब मैं फोर्थ ईयर में था तो मेरे को भी लगा रहता था कि भाई एक आईटी कंपनी में 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद कितना पैकेज होता है, किस रेट से ग्रो होते हैं हम, एक आईटी कंपनी में क्या हमारे पैकेज किस रेट से ग्रो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना वीडियो को तो बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। So guys, let's break this down by years of experience and distinguish it between the service-based company and product-based company. And also remember guys, here I am considering someone who has stayed with the company from the start of his career. So let's begin with the first point. So guys, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं salary after 3 years of experience in service-based company. तो I assume कि आपका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ होगा either on campus, off campus. तो मेजर केसेस में सब बच्चों के कॉलेज में जो प्लेसमेंट लगते हैं वो सर्विस बेस्ड कंपनी में 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA इतने तक लगते हैं मेजर केसेस में। अब लगने वालों के तो 10 LPA, 15 LPA अच्छे खासे पैकेज भी लगते हैं। तो हम ये 4, 5, 6 LPA की बात करने वाले हैं कि अगर आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है 4 LPA, 5 LPA, 6 LPA पर, तो 3 साल बाद मे बी आप उस कंपनी के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके होंगे आराम से, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर टीम लीड। अब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करती हैं कि कुछ कंपनी होती हैं जो टीम लीड बना देती हैं 3 साल के अंदर, वरना तो मेजर केसेस में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनी लाइक TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तो इनमें आपका पैकेज 10 LPA टू 12 LPA तक पहुँच जाता है। और ये मतलब ये नंबर डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ द कंपनी एंड प्रोजेक्ट दैट यू आर इन्वॉल्व। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी पर और प्रोजेक्ट पर, बट 8 LPA टू 12 LPA आपका पैकेज आराम से पहुंच जाता है 3 साल के अंदर। एंड गाइस, अगर आप बात करें आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में, तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर जॉब कर रहे हैं लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और कोई या फिर स्टार्टअप है, जैसे कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, सैमसंग, इन सब के बारे में अगर बात करें, तो आपकी सैलरी माइट बी बिट हायर लाइक जनरली फ्रॉम 12 LPA टू 18 LPA पर एनम। तो ये सैलरी होने वाली है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। सो गाइज, नाउ मूविंग ऑन टू 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज, 5 साल के अंदर आप अब मैनेजिंग रोल में आ चुके होंगे या लीडिंग रोल में आ चुके होंगे, लीड रोल में, तो या तो आप लीड कर रहे होंगे या मैनेजर होंगे। तो इस रोल के अंदर आपकी सैलरी लाई कर रही होगी इन द ब्रैकेट ऑफ 12 LPA टू 18 LPA इन सर्विस बेस्ड कंपनी। एंड अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो गाइज, अगर आप किसी स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर 5 साल तक जॉब कर रहे हो या 5 साल से जॉब कर रहे हो एक ही कंपनी के अंदर, तो आपका पैकेज लाई कर रहा होगा बिटवीन 18 LPA टू 25 LPA। और ये डिफरेंस आ जाता है बिकॉज ऑफ योर डिमांडिंग रोल एंड पोटेंशली मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट यू माइट बी हैंडलिंग एट दैट टाइम। सो सारी चीज़ें प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड होती हैं और रोल्स जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ पर डिपेंड होती हैं। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि जो लोग सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस हो गया लाइक 3 साल, 5 साल, 10 साल और वो इतना अर्न कर रहे हैं, तो वो कमेंट कर दें जिससे कि बाकी लोग भी रिलेट कर पाएँ कि हाँ ये इतना पैकेज होता है, इस तरह से बढ़ता है। तो गाइज, कमेंट कर दो जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो। तो चलते हैं फिर आगे, आपने कमेंट कर ही दिया होगा। सो गाइज, लेट्स जंप टू 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड सबसे पहले अगर हम बात करें सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में, तो अगर आप 10 साल से एक ही कंपनी के अंदर हैं तो आप मैनेजर रोल पर होंगे ऑफ कोर्स, या फिर सीनियर लीडरशिप पोजीशन पर होंगे, एंड आपका पैकेज लाई करेगा बिटवीन 20 LPA टू 30 LPA। तो ये जो मैं रेंज ले रहा हूँ ना, 20 LPA, 30 LPA, 10 LPA टू 15 LPA, तो ये रेंज डिपेंड करती है आपके प्रोजेक्ट पर, आपकी कंपनी पर, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके टीम साइज पर। जैसे कि किसी प्रोजेक्ट का बजट होता है अच्छा खासा तो उसमें आपको अच्छा हाइक मिलता है, किसी का थोड़ा लो बजट होता है तो उसमें थोड़ा कम हाइक मिलता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं और ये तभी इसी वजह से हम रेंज लेकर चल रहे हैं कि 20 LPA टू 30 LPA मिलेगा 10 साल अगर आप एक ही कंपनी के अंदर हैं। तो अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के बारे में। तो 10 साल के अंदर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर किसी स्टार्टअप में सीनियर मैनेजर होंगे या फिर प्रिंसिपल इंजीनियर होंगे, एंड आपका पैकेज जो लाई करेगा वो करेगा बिटवीन 30 LPA टू 50 LPA।
So guys, let's see what happens in 15 year of experience. So if we are talking about the service based company, then there you could be a senior manager or a director, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी post है और आपका package lie कर रहा होगा between 30 to 45 LPA. तो गाइज हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तो आप 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर आप होंगे डायरेक्टर या फिर एक वीपी रोल प्ले कर रहे होंगे आप, वीपी इन द सेंस वाइस प्रेसिडेंट. तो आपका पैकेज लाई कर रहा होगा बिटवीन 50 to 80 LPA पर एनम, जो कि पैसा पैसा. तो गाइज अब बात कर लेते फाइनल 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में. तो अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनी में हैं तो हमारा रोल होगा एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट या फिर उससे भी ऊपर, एंड पैकेज जो लाई कर रहा होगा बिटवीन 45 LPA to 70 LPA, जो खुद में एक बहुत अच्छा नंबर है, बहुत बड़ा पैकेज है. तो जैसे पैकेज बढ़ता है तो उसी के साथ साथ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो गाइस अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर किसी स्टार्टअप की, कि अगर किसी बंदे को 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो कितना क्या रोल होगा उसका और क्या पैकेज उसको मिल रहा होगा. तो गाइस आप जल्दी से कमेंट करके बताओ, अपना गैस करो कि उसे कितना पैसा मिल रहा होगा, कितना पैकेज होगा उसका. इतने मैं आपको बताता हूँ कि उसका रोल क्या होने वाला है. अगर किसी का 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है किसी प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड कंपनी में, तो उसका रोल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप या फिर हाई इम्पैक्ट टेक्निकल रोल होगा, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है और उसका पैकेज लाई कर रहा होगा बिटवीन 80 LPA to 1 crore. यस गाइस, 80 LPA to 1 crore ये उसका पैकेज होगा उस टाइम पर. तो आप देख सकते हैं कि 80 LPA to 1 crore पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी. एक तो वो रोल भी बहुत बड़ा है और पैकेज भी बड़ा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बड़ी होंगी. तो गाइस जो मैंने ये रेंज लिए, मैंने आपको बताया सर्विस बेस्ड कंपनी में कुछ साल बाद क्या रेंज रहती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या रेंज रहती है. तो ये जो भी मैंने रेंज लिए है अपने कलीग्स के थ्रू डेटा लिया है और जो मेरे फ्रेंड दूसरी कंपनी में काम करते हैं उनके थ्रू मैंने डेटा लिया है और तब मैंने ये वीडियो शूट करी है. तो ये जो भी रेंज है ये एक एवरेज फिगर है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है. ये डिपेंड करती है आपके स्पेसिफिक रोल पर कि आपका क्या रोल है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, एंड द सिटी यू आर बेस्ड इन एंड योर परफॉर्मेंस बेसिकली. तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करती है रेंज. एंड एडिशनली सैलरी पैकेजेस में इंक्लूड बोनस, स्टॉक ऑप्शन एंड अदर बेनिफिट विच मे अफेक्ट योर ओवरऑल कंपनसेशन एज वेल. तो गाइस आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि आपकी सैलरी कैसे प्रोग्रेस करती है ओवर द ईयर इफ़ यू स्टे विद द सेम कंपनी, वेदर इट्स अ सर्विस बेस्ड कंपनी और अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन लाइक, कमेंट विद एनी क्वेश्चन और इनसाइट्स यू हैव, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कॉन्टेंट ऑन करियर ग्रोथ एंड IT इंडस्ट्री. And thanks for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye. Take care.